Cheers! Happy New Year! Happy New Year! Hey guys, welcome to your new vlog. और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और जैसे कि सभी को पता है कि साल का एंड हो गया है और आज हम एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं अपने जिम में. हमारे जिम वाले भैया जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, तो सारांश भी अंदर है, मैं भी आ गई और आज अंजलि भी साथ में आई है. तो चलते हैं बंदर. तो गाइस जिम तो आ गए हम और आज है न्यू ईयर पार्टी. तो किसी दिन आपको बता दिया होगा, आपको दिखा दो. देखो हमारा जिम सज रहा है, हैप्पी न्यू ईयर लिखा है सामने, दिखा दो. तो गाइस इस दीवार पे लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर का पूरा, बैलून्स लग रहे हैं और कुछ ऐसे गुब्बारों से पूरा सजाया हुआ है. यहाँ पर हमें गेम्स खिलाए जाएंगे, जो भी देखेंगे हमें गेम्स खिलाए जाएंगे. पता नहीं कौन कौन से गेम्स खिलाएंगे, पता नहीं कुछ अभी. और ये सब खाने पीने का सामान है, ये आराम से बैठे हैं यहाँ पर. जिम आज पूरा, जो भी इक्विपमेंट्स है ना सारी जिम करने वाले, सारी अपनी जगह पे है. बस आज सिर्फ है पार्टी. और हिमांश भाई अंदर बैठे हैं, यहाँ पर अंजलि रील बना रही है, यहाँ भी आवाज नहीं आ रही. दीदी तो भाई सबसे अम्मा बन के आती है, मैं सबसे बड़ी हूँ. देखो शक्ल, देखो शक्ल भी इनकी ऐसी हो चुकी है अब तो. तो भाई ये है ऋषि भाई और ये हमारे ट्रेनर. तो भाई इनका था आज कॉम्पिटिशन, ये फर्स्ट गोल्ड मेडल आया भाई का. और इससे इससे पहले इंडिया क्लासिक कप खेला था, इसमें थर्ड प्राइज मारा था 50 kg में. मैंने देखा है खुद. कांग्रेचुलेशन भाई. और ये हमारे हिमांशु भाई, भाई की फोटो आपको दिखा रखी है. देखो एप्स देख रहे हो, खतरनाक भाई. गेनिंग पे चल रहा है आजकल भाई, भाई भी गेनिंग पे गेनिंग पे चल रहे हैं भाई. गेनिंग पे हूं मैं. और ये हमारा केक वगैरह आपको बाद में दिखाऊंगा सब. तो दीदी प्रिय मरेंडा जो खास है, फिर भी प्रिय देख लो गाइस. पी है, पी है, पी है. इसको दी थी मैंने, मेरे को दी है. इतनी पास से सच दिख रहा चेहरे पे. तो गाइस हमारी दो टीम बन चुकी है, अभी चलेगा यहाँ पर गेम. दो टीम, एक ये वाली इस तरफ वाली सारी वाली और एक टीम उस तरफ वाली सारी. अब यहाँ पर गेम होगा, देखते हैं क्या गेम होगा, यही नहीं पता बस. तो गाइस यहाँ पर ये वाला गेम चल रहा है, एक बबल फ्लाएगा, एक कैच करेगा. कैच हो गई, हो गई, हो गई. अरे तो गाइस हमारा तो ड्रॉ हो गया, 23 मेरे, 23 दूसरी टीम के. पता नहीं क्या ड्रॉ हो गया. अब कट रहा केक, केक कटिंग हो रही है पहले न्यू ईयर की. फिटनेस ट्रैक फैमिली कुछ ऐसा केक है, कटिंग होगी इसकी. तो अभी हिमांशु भाई की मम्मी केक काटेंगी, केक कट करते हैं न्यू ईयर का. जलाओ भाई जलाओ. हिमांशु भाई के बड़े भाई की बेटी है, वो एक मेरा फोन कहाँ पर है? प्यारे ना भाई, ये केक काटेगी. हैप्पी न्यू ईयर. आप सुना दो भाई म्यूजिक तेज आवाज में. बढ़िया सा गाना चला दो बस. वॉल्यूम बढ़ा दो, यहाँ से बढ़ेगी वॉल्यूम. बाबू वॉल्यूम बढ़ाइए उधर से. चल रहा है फोटो शूट. अरे फोन डाले, फोन डाले. बेबी गर्ल, ये मेरी बेबी गर्ल है. Oh,
अभी गिराने हैं नीचे सारे। मार मार उसको मार। ओए बढ़िया। ओए ऐसे नहीं करना। गाइस अब डिनर रेडी हो गया है। तो गाइस आज खाने में रोटी और क्या है कढ़ाई पनीर दाल और प्याज, ये लोग यहाँ खा रहे हैं, मैं यहाँ खा रहा हूँ, तो खाना खाते हैं। तो गाइस हमारी पार्टी हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं घर पे। राजा दो हो चुके, चलते हैं अब। 10 बजने वाले, 9:30 हो गए, तो चलो ठीक है भाई। नमस्ते भैया। अरे भाई नमस्ते भाई। भाई कैसा लगा तुम्हारे को पहले बताओ? मजा आया भाई। सही लगा आप दोनों को भी? मैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मॉल वगैरह सब अच्छा लगा यहाँ का? तो भाई इस फेज टू में ना हमारे बाबा शाम पे कीर्तन, तो हम जा रहे थे वैसे अपने घर पे, पर यहाँ पर आ गए बाबा का, एक बार दीदार कर लेते हैं। तो गाइस बाबा के दर्शन भी कर लिए और निकल चुके अपने घर की तरफ, चलते हैं। बाबा का बुलावा आ गया तो दर्शन कराए, चलते हैं घर पे। बहुत सारा खा लिया भाई, ऊपर तक आ रहा है खाना। तो अभी घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस घर पे आ चुके हैं और पहले पीते हैं चाय भाई, पर चाय कोई नहीं बना रहा। दीदी लेट गई, मम्मी भी लेट गई, मैं भी लेट रहा हूँ थोड़ा सा। डैडी मना कर रहे हैं, थोड़ी देर में चाय बन जाएगी। अभी रात के बजने वाले हैं 11, और दो 11 बजे हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा गला ठीक रहता है उससे। पता है मैं चाय में ना अदरक इतनी कूटता हूँ, इतनी डैडी बोलता है भाई काढ़ा लग रहा है, काढ़ा पीते हैं ना लोग तो वो लग रहा है, पर भाई मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। कूट के डालो अदरक बहुत सारी, मैं तो भाई खूब पीता हूँ, मज़ा आता है। अब देखते हैं कौन बनाएगा चाय, कुछ नहीं पता भाई। तो सब हार गए, पर डैडी हमारे लिए चाय बना के लिया, देखो ये रही मस्त अदरक की चाय। डैडी को आखिर मम्मी की बात माननी पड़ी, बनानी पड़ी, मजा आ गया। किसी की बात नहीं मानी, फिर मैंने सिर्फ भगवान की बात मानी है कि सबको चाय पिलानी चाहिए। भगवान ने बोला था कि बिल्कुल, माता शीतला माता ने, खाटू श्याम बाबा ने और माता शीतला ने मेरे को कहा कि चलो इनकी सेवा करनी चाहिए, बच्चों की, बच्चों की माँ की, बच्चों की माँ की, तो इसलिए मैंने चाय बना के लिया है सबके लिए। अब पीते हैं। सो गाइस दिस इज नेक्स्ट डे, तो आज 31 तारीख और 31 की रात है, तो अभी बजे है रात के 9:11, पर हमारा प्लान था कि पूरी फैमिली हम घूमने जाएंगे रात को, बाहर न्यू ईयर बनाएंगे, पर बात ये हुई कि दीदी की तबीयत खराब हो गई और दीदी का है कल प्रोग्राम, खांसी हो गई, तो अगर दीदी अभी चली गई फिर सुबह हमें कहीं और भी जाना है, फिर शाम को दीदी का प्रोग्राम भी है आराम से, तो इसलिए मम्मी भी नहीं जा रही, दीदी भी नहीं जा रही, तो मैं और डैडी जा रहे हैं बस थोड़ा बाहर घूमने के लिए। थोड़ा बाहर दिखाऊंगा आपको माहौल कैसा हो रहा है, मस्त हो रहा होगा भाई। और मैं रेडी हो चुका हूँ, देखो टोपी पहन के, जैकेट पहन के, मस्त, इसमें तो टोपी भी है। तो अब निकलते हैं बाहर। वैसे हमारा प्लान था दीदी और मैं जाएं, पर दीदी ने उस समय खास दिया, गली गली में, गली 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 में रैपर लग रहा हूँ ना, चलते हैं चलो। तो गाइस अपने घर से हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं कोई मॉल शायद, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था हम जाए कहाँ, अब देखते हैं हम जाना कहाँ चलते हैं। तो गाइस अबे मैं टॉपी, तो गाइस हम मॉल की पार्किंग में पहुंच चुके हैं, हमारी बाइक लगी है पीछे, अब चलते हैं ऊपर। भाई भीड़ बहुत गंदी हो रही है, देखो सारी पार्किंग ऐसी भरी हुई है, चलते हैं ऊपर कुछ खाते पीते हैं जैसा भी है, देखते चलो। तो गाइस मॉल तो आ गए, पर उतनी भीड़ नहीं जितनी हमने सोची थी, क्रिसमस वाले दिन इतनी भीड़ थी बहुत गंदी, पर न्यू ईयर है वैसे आज, होने वाला कल 12 बजे हो जाएगा, उस हिसाब से भीड़ नहीं है, शायद नाइट क्लब्स में गए सब, नाइट क्लब्स में गए होंगे सब, लॉन्ज वगैरह, क्लब्स वगैरह, बार वगैरह, अच्छा वहाँ गए होंगे सब। यहाँ कौन आएगा? यहाँ पर सिर्फ वो आएगा जो फैमिली वाला बंदा होगा ना, फैमिली के साथ जो आएगा वही आएगा बस। तो कैसा कोई भीड़ दिखाते हैं कितनी हो रही है। मॉल के अंदर भीड़ नहीं है, पर मॉल के बाहर जो एरिया है ना, यहाँ लोग देखो घूम रहे हैं आराम से, बैठे हैं, खा पी रहे हैं, तो यहाँ भीड़ है बहुत, थोड़ी बहुत। डैडी तो आराम से घूम रहे हैं, डैडी कुछ खाते हैं चलो।
ऑर्डर नंबर 35 सर इधर तो हमारी हॉट कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज मैक पफ और हमने लिया एक बर्गर एक एक मिल लिए पूरी हमने कोक के बदले ले ली हॉट कॉफ़ी तो अच्छी होती है बड़ी मुश्किल सीट मिली भाई तो गाइस हम लोग यहाँ बैठे खा रहे थे पर जो हमारे बगल में खा रहे थे ना उन्होंने मील मंगाई और पूरा फ्रेंच फ्राइज का पूरा लार्ज वाला बकेट मीडियम वाला बकेट है पूरा ऐसे छोड़ दिया पूरा अंदर तक भरा हुआ है देखो तो मैं सोच रहा हूँ इसको उठा के किसी गरीब को दे दो किसी के पेट में चलाया कम से कम मतलब लोग मील लेते हैं पर ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए यार ये पूरा फेंकने में अभी भैया आ रहे थे वो कह रहे थे पूरा फेंकने में जाएगा ये बस सारा फेंकेंगे हम इसको और गरीब लोगों को खाने को नहीं मिलता सोच रहा हूँ मैं इसको उठा के किसी गरीब जो दिखे मेरे को उसको दे दूँ मैं में रेडी डैडी डैडी सुनो ना मेरी बात सुनो कोई गरीब मिले ना जो भूखा हो उसको दे देते हैं फेंकने में जाएगा अभी दे देते हैं तो गाइस देखो हमने किसी की मतलब लोग इतना सारा मतलब पूरा इतना बकेट फ्रेंच फ्राइज का पूरा भरा फेंक देते हैं वो लोग तो वहाँ के वेटर से हमने पूछा तो वो कह रहे हैं जी हम लोग तो फेंक देते हैं बहुत लोग आते हैं इसे फेंक के चले जाते हैं तो मैंने सोचा यार ये फेंकने में जाए किसी गरीब के मुँह लगे तो उसका पेट भी भरे तो मैंने उठा के दे दूंगा मैं किसी को मॉल के तरफ बाहर जा रहे हैं तो गाइस हमने एक लड़की को दे दिया और मॉल के बाहर बैलून बेच रही थी तो शायद उसे बहुत भूख लगी होगी तो हमने दिया वो खुश हो गई है ना एडी तो ऐसे देखो हमने दिया तो कुछ किसी के पेट में जाएगा वो कूड़े फेंकते अच्छा लगता ना तो चलो कुछ अच्छा काम करा आज मैंने आज पहली बार बोलो सोचेंगे कि हम उनकी बना रहे हैं पर मेरी बन रही है तो वैसे भी रात के बज चुके हैं 11:09 तो हमने ना 3 पिज्जा ऑर्डर करे हैं और 12 बजे घर पे जाके सबके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे तो अभी पिज्जा पैक कराते हो चलते हैं घर पे सीधा सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे ना अरे मैं वैसे पूरा आता हूँ उसमें तो वैसे हमने पिज़्ज़ा ले लिए और 11:30 होने वाले हैं हमें 12 से पहले अपने घर पहुँचना है तो हम केक के बदले पिज़्ज़ा से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों बैठ गई समझ नहीं आ रहा बर्थडे नहीं सॉरी क्या दिमाग चल रहा है हम केक के बदले ना न्यू ईयर पार्टी पिज़्ज़ा से करेंगे हम केक नहीं काटेंगे पिज़्ज़ा काटेंगे मेरी आवाज़ बैठ गई पता नहीं क्यों यार चलो घर चलते हैं चल तो अभी चलते हैं पहले पार्किंग में बाइक निकालते हैं भाई दीदी को बड़ा मिस कर रहा हूँ पता मैं दीदी होती है ना तो हम दोनों मस्ती करते हुए चलते हैं मज़ा आता है दीदी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई और हमें कल सुबह कहीं जाना भी आपको मेरे अगले ब्लॉग में देखना और शाम को दीदी को बाबा कीर्तन भी है तो हमने सोचा यार अगर दीदी की और तबीयत ख़राब होगी दिक्कत हो जाएगी तो लेकिन यहाँ इस चक्कर में तो हम दोनों यहाँ बस गुड वैसे मैं टॉपी पहन के पता कूल लग रहा हूँ कूल मम्मी ने मुझे कहा मम्मी ने मुझे बोला कि तूने महंगे कपड़े में अच्छा लगता है डैडी पता क्या बोल रहे डैडी क्या बोल रहे पता ना जरा क्या आप क्या बोल रहे थे मम्मी ने बोला था कि तू महंगे कपड़े में अच्छा लगता है अगर हम किसी गरीब डॉगी को छोटा सा होगा बेचारा और उसको हम कपड़े पहना अच्छे नहीं नहीं कपड़े अच्छे वो भी अच्छा लगेगा वो भी बहुत अच्छा लगेगा ये तो हमारा बच्चा है ये तो कोई बात नहीं बहुत अच्छा लगता है स्मार्ट बनता है और है किस कलर का है किस खानदान का सोलन के खानदान का वाह राजपूत चलो भाई घर चलो बाइक बाइक भाई यहाँ लगा रखी थी जब हम यहाँ पर आए थे तो इतनी भीड़ थी और अब भीड़ नहीं है तो गाइस हम घर पे आ गए हमारी बाइक ही खड़ी और रखी पिज़्ज़ा अभी दीदी को फ़ोन की दीदी नीचे आ रही है डोंगे में दूध लेके तो हमारे गले में कुत्ता रहता है ना तो हम उसको दूध पिला देंगे दीदी नीचे दूध लेके आ रही है
ठंड हो रही है भाई, वो भी बड़ा कमजोर सा है, थोड़ा दूध पिला देंगे सही रहेगा। टाइम कितना हो गया? 11:42 हो गए, 12 बजे से पहले ऊपर चलेंगे। कुंडी खोलो ऊपर से। तो भाई दीदी आ गए, देखो दूध लेके। हाल ज़्यादा गर्म है दूध? हाँ दूध थोड़ा गर्म है ना, नहीं पी रहा है, पी रहा है। अंडे भी हैं, अंडे गर्म है, इसको बेचारे को गर्म लग रहा है। पी रहा है, पी रहा है। खा ले खा ले खा ले, फ्रेशन फोड़ दो, फ्रेशन फोड़ दो। तो गाइस इस कुत्ते का नाम दीदी ने घर का क्यूटी, दीदी इसको क्यूटी बोलती क्योंकि सांस जैसा है। हेल सब मुझे कोई कुत्ता डेढ़ भी कुत्ता बोल रहे थे मुझे छोटा सा। देखो दूध पी रहा आराम से, थोड़ा कमज़ोर सा है ना, तो दीदी को क्यूट लगता है। अगर वैसा होता ना दीदी कभी पास ना करते। दीदी वैसे रेडी हो गई थी मेरे साथ जाने के लिए, पर बेचारी काजल पोत की खड़ी हो गई थी। तो गाइस 12 बज गए, फटाफट चलते हैं ऊपर। तो गाइस ऊपर आते आते बिल्कुल करेक्ट 12 बज चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर डैडी, हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई। दीदी के पैर कहाँ हैं? हैप्पी न्यू ईयर बड़ी ऊपर से छुए, थोड़ा तो नीचे आ जा। हैप्पी न्यू ईयर, इसके तो हाथ ही धुले में रेडी आते आ जाओ, इसके तो हाथ धुले भी नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर, कोई नहीं बात में लेंगे आ जाओ। हां ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारे सोलंकी फैमिली की तरफ से, हमारी छोटी सी फैमिली है और सबकी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। और सब इस साल बहुत सारे वो करेंगे प्रोमिसेस की, पूरा करना है, पूरा करना है। तो हम कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आने वाले साल में आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो बी रेडी एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। अब हम लाए पिज्जा, पहले पिज्जा खाते हैं जल्दी। अरे हाथ धो ले, वही रहे हमारे पिज्जा, हम केक के बदले कट करेंगे। जिनकी वजह से हमें जीवन मिला है इस धरती पे, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा हमारे बच्चों पे, अपने परिवार पे बना रहे, और बाबा श्याम का कृपा रहे, हमारे बाबा की कृपा तो हमेशा बनी रहती है, और माता शीतला माता हमारी विराजमान है हमारे घर, शीतला माता हमारी मंदिर में विराजमान है, और सबकी बस कृपा बनाए रखे। मम्मी आप भी बनाए रखना, आप भी, हमारे हनुमान जी भी वहां पर है। दीदी आप भी मेरे पे कृपा बनाए रखना, ये तो सही माता बन चुकी है। और सभी को जय श्री श्याम, बहुत नया साल मुबारक हो, सब स्वस्थ रहें, अपने घर पे सेफ रहें, और सभी अपने जीवन में आगे बढ़े। जय श्री श्याम। तो गाइस सब खाते हैं अपने पिज्जा। तो एक पिज्जा है अनियन एंड है पनीर, और एक है स्वीट कॉर्न, और एक है कैप्सिकम। ठंडे हो गए भाई सारे, सब ठंडे हो गए। मम्मी बहुत ठंडी थी, नहीं थी सब ठंडे हो गए लाते लाते ही। हम तो ठंडा भी खा लेते हैं। दीदी खा लो, आ जाओ, महंगे लग रहे हो। चेयर्स, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस अभी हमारा न्यू ईयर तो बन गया, तो हमने 3 पिज्जा लाए, वही खा लिए, और अब सोते हैं। तो एडिटिंग मैं अभी नहीं कर रहा, सुबह करूँगा, तो मैं सो रहता हूँ भाई, क्योंकि सुबह सुबह हमें कल 6-7 बजे तक निकलना है कहीं, वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर, और सब हेल्दी रहो, अपनी लाइफ में जो आपको अचीव करना है गोल अचीव करो, और गाइस कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट करते रहो यार। और एक वादा जो है कि इस साल मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लाने की खूब कोशिश करूँगा अपने मन से, क्योंकि मैं व्लॉग करता हूँ ना बाहर जाकर, तो अपने मन से करता हूँ भाई, एडिटिंग करके मतलब अपलोड करना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो हाँ, तो बस आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना बस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलती रहती अपने न्यू व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, बाय बाय। तो बेटे अच्छे कपड़े अगर किसी वो गरीब सुअर को, नहीं 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 गरीब ये वर्ड अच्छा नहीं लगता।